नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करते हैं। पत्रकार जे डे मर्डर केस में छोटा राजन समेत 9 लोग दोषी करार दिए गए हैं। मुंबई की मकोका कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पत्रकार जिग्ना वोरा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें 11 जून 2011 को मुंबई के पवई में पत्रकार ज्योतिर्मय डे का मर्डर हुआ था। दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार इसमें काफी लंबा चला यह पूरा मामला। और इसमें मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता जो नाम है वो है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और उस पर आरोप लगा था कि उसने ही ये हत्या करवाई थी, जिसके बाबत कई सारे सबूत पेश किए गए थे। और आज कोर्ट ने साढ़े सात साल के करीब हो गया वक्त, उसके बाद फैसला सुनाया है और दोषी करार दिया है छोटा राजन को। हालांकि छोटा राजन अपनी इन बातों से मुकर गया था कि उसने हत्या करवाई है, लेकिन पुलिस के पास जो एविडेंस थे वो वाकई में कारगर साबित हुए और आज फैसला आया। अमित, पूरा मामला इस बारे में और डिटेल अपने दर्शकों को बताएं, उससे पहले सीधे मुंबई रुख करते हैं। मुंबई से संवाददाता सुधीर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, फैसले के बारे में क्या डिटेल? देखिए, आपको बता दें, बहुप्रतीक्षित फैसला, छोटा राजन को दोषी करा दिया गया है। इसके अलावा इस मामले में सेंट पॉल जोसेफ और जिग्ना बोरा दो को बरी किया गया है। 9 आरोपियों को सजा दी गई है। हमारे साथ कोर्टरूम में अश्विनी पांडे था। अश्विनी, जिस ढंग से छोटा राजन को सजा दी गई है, क्या उसने कोर्ट के बाहर जब वो विदेश में था और उस समय तमाम चैनलों को बात कर रही थी, जैसा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे थे कि वो सबसे अहम सवाल है, उस समय उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, उसने खुद इस बात को कबूला था कि उसने गुस्से में आकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या कोर्ट ने उसको तस्दीक करते हुए? जी बिल्कुल, देखिए, जब यह हत्या हुई उसके कुछ दिनों के बाद ही जब आरोपी अरेस्ट होने शुरू हुए, तब छोटा राजन ने कुछ चैनलों को फोन करके कहा था कि उसने ही जेडे की हत्या कराई है। और उस हत्या के पीछे जो कारण बताया वो ये कि जेडे लगातार इसके खिलाफ लिख रहे थे और उसमें उन्होंने बताया था कि छोटा राजन की जो पकड़ है उसके गैंग पर अब वो कमजोर होने लगी है। साथ ही एक बात जो है छोटा राजन ने कही थी कि लंदन में जेडे ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद लंदन में छोटा राजन जेडे से मुलाकात नहीं की। इसके पीछे वजह यह थी कि छोटा राजन के कुछ खबरी ने बताया था कि जेडे आपको वहां इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि छोटा शकील से वो मरवाना चाहते हैं आपको। इसके बाद फिलीपींस में भी छोटा राजन को उसने बुलाया था, उसके पहले हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन ने उस थ्योरी को ज्यादा महत्व दिया कि राजन की साजिश का शक जो राजन को खुद था वो इस पूरे हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह बना। जी बिल्कुल, देखिए, इन तमाम इंटरव्यूज को साथ ही छोटा राजन, क्योंकि उसके ऊपर जैसा आपने कहा कि कोई दबाव नहीं था, यही वजह है कि जब उसकी बात जो है कोर्ट में वकीलों की तरफ से रखी गई तो कोर्ट ने उसे माना है और अब फैसला दे दिया है कि छोटा राजन को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी MCOCA के तहत जो है सजा सुनाई जाती है। आपको बता दें कि जो 7 शूटर्स थे, जिसमें सतीश कालिया मुख्य रूप से जो है शामिल रहा, उसने 5 गोलियां जो है जेडे पर मारी थी। इसके अलावा उसके साथी थे अनिल वाघमोड़े, अभिजीत शिंदे, नीलेश शेडगे, अरुण जनार्दन डाके, मंगेश मंगिया, सचिन गायकवाड़, ये 7 शूटर्स आरोपी हैं। इसके अलावा अश्विनी, में सबसे अहम सबकी निगाहें जिग्ना बोरा पे लगी थी और उसके ऊपर आरोप था कि उसने छोटा राजन को उकसाया है और साथ ही साथ एक मीडिएटर जिसके कॉल के जरिए वो लगातार राजन से संपर्क में रही और उसने ही उकसाने का काम किया था। क्या वजह थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिग्ना वोरा के जो आरोप थे उसको कोर्ट में सिद्ध नहीं कर सके? जी देखिए, जिग्ना वोरा पे जो आरोप थे वो सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल थे, यानी कि एक परिस्थिति जन शख्स थे, उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ऐसा नहीं था जिसको लेकर कोर्ट में जो वकील हैं वो प्रूव कर पाए, खासतौर पे जो बातचीत की जो जिक्र किया गया कोर्ट में। आपको बता दें कि जिग्ना वोरा, क्योंकि पत्रकार होने के नाते वो कई दफा इसके पहले भी छोटा राजन से खबरों को लेकर बातचीत करती रही हैं, यही वजह है कि कोर्ट ने जो दलील सरकारी पक्ष की तरफ से दी गई उसे नहीं माना, क्योंकि पत्रकार के तौर पर उनकी बातचीत क्या हुई थी ये जो है कोर्ट के सामने चीजें नहीं जो है साबित कर पाई, यही वजह है कि जिग्ना वोरा इस मामले में एक्विट हो गई। अगर मैं बात करूं पॉलसन जोसेफ की, तो पॉलसन जोसेफ से बातचीत कराने की जो है आरोप रहा है, पैसे प्रोवाइड करने का आरोप रहा है, जो पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ, ये कारण रहा कि पॉलसन जोसेफ और जिग्ना वोरा को एक्विट। सुधीर, अश्विनी से एक चीज हम जानना चाहेंगे, जो सबूत पेश किए गए थे उसमें छोटा राजन को लेकर कई सारे सबूत जुटाए गए थे, जिसमें उसके वॉइस सैंपल को भी टेस्ट किया गया था, इसके अलावा और कौन कौन से सबूत थे जिसको कोर्ट ने माना है, ये भी हम जानना चाहते हैं।
निश्चित तौर पर अमित, मैं अश्विनी से समझना चाहूंगा। अश्विनी, इस पूरे मामले में जो तीन ऑडियो क्लिप थी, इसके अलावा एक वीडियो क्लिप भी थी, और तीन और अहम सबूत थे, तो कौन कौन से वो सबूत रहे जिसके आधार पर कोर्ट ने ये माना कि मर्डर, हत्या की साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत राजन को दोषी करा दिया गया? देखिए, साफ तौर पर बताएं, एक ऑडियो था जिसमें छोटा राजन से एक शख्स जो है बातचीत करता है और कहता है कि आपने जो है जेडे को क्यों मारा, क्योंकि जेडे जो है एक अच्छे इंसान थे। ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास थी और उस रिकॉर्डिंग में जेडे ने पत्रकार जिग्ना वोरा का जिक्र किया था, हालांकि वो साबित नहीं हो सका, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में जो है साफ तौर पे ये बोलना कि हम मैंने मारा है जेडे को। साथ ही कुछ पत्रकारों को फोन पे जो है इंटरव्यू के दौरान छोटा राजन ने बात कबूली थी, और हथियारों की जो लेन देन थी सतीश कालिया के माध्यम से, नैनीताल से हथियार आए थे, ये तमाम चीजें जो है प्रोसिक्यूशन प्रूव करने में जो है सफल रहा है, और यही वजह है कि नौ लोग, छोटा राजन समेत नौ लोगों को जो है कन्विक्ट किया गया है। आपको बता दें कि इसमें एक और शख्स जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, विनोद चेंबूर, जिसे विनोद असरानी के नाम से जाना जाता है, उसने ही जेडे को जो है जेडे की पहचान कराई थी शूटरों को, वो फिलहाल ट्रायल के दौरान उनकी मौत हो चुकी थी। यही वजह है कि नौ लोगों को फिलहाल जो है सुधीर, एक और बात पूछिएगा, बताया कि इस पूरे मामले में, सुधीर एक और सवाल है कि जो छोटा राजन को पकड़ा गया तो उसके पास से कुछ मोबाइल फोन्स मिले थे जिसके जरिए भी इस केस में काफी कुछ पता चला था, जरा बताइए इस बारे में। निश्चित तौर पर वाली से जब उसको गिरफ्तार किया गया था, उसके दो मोबाइल और लैपटॉप मिला था, जिसको कि क्राइम ब्रांच की टीम ने तफ्तीश किया था। मैं आपसे सुनी समझना चाहूंगा कि जब वाली से उसको यहाँ लाया गया, उस समय उसके दो मोबाइल और एक लैपटॉप पुलिस ने बरामद किया था, वो कितने कंक्रीट एविडेंस हुए, क्योंकि पुलिस का यह दावा है कि उसमें भी तमाम ऐसी चीज रिट्रीट की गई जिसके जरिए प्रोसिक्यूशन की अपनी थियरी को साबित करने में काफी मदद मिली थी। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम रहा, क्योंकि जो फोन बरामद हुआ उस फोन में कई ऐसे मैसेजेस और चैट्स थे जिसके आधार पर प्रोसिक्यूशन को ये केस और पुख्ता तौर पर साबित करने में आसानी हुई। खासतौर पर अगर मैं मैसेजेस की बात करूँ, तो जब सीबीआई ने जो है बाली से गिरफ्तार किया और उसे इस केस में जो है गिरफ्तार किया गया आधिकारिक तौर पर, तब ये तमाम जो मैसेजेस है रिट्रीव किए गए, उसमें तमाम ऐसी बातचीत सामने आई जिसमें ये साबित हो रहा था कि छोटा राजन बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था और वो किसी भी हद पर जाकर जेडे की हत्या करवाना चाहता था, क्योंकि जेडे लगातार ऐसे तमाम लेख लिख रहे थे जिससे वो चेंबूर का भी लिंक जो आया था पुख्ता तौर पर, वो उसी मोबाइल के जरिए आया था। सुनिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जेडे को जो है उमा पैलेस जो बार था, जहां पर जेडे को सतीश कालिया और तमाम जो शूटर्स थे उन्हें दिखाने के लिए बुलाया गया था, उस बातचीत के मैसेजेस कुछ थे, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, ये तमाम चीजें जो है विनोद चेंबूर जो है, जिसे विनोद असरानी कहते हैं, उसके जरिए किया गया था। और वो तो उमा पैलेस बार पर छोटा राजन ने ही विनोद चेंबूर को कहा था कि जेडे को बुलाएं, और जेडे को विनोद चेंबूर ने बुलाया और वहां पर शूटर्स को, चेंबूर ने जेडे को बुलाया था, और जैसा कि आप बिल्कुल, और एक बड़ा फैसला, लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पूरे मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सुधीर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे जिग्ना वोरा के खिलाफ, लेकिन यहां बात अगर हम पॉल्सन की जाए तो उन्हें भी बरी कर दिया जा चुका है। क्या भूमिका और क्या आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे? निश्चित तौर पर सुभी, मैं अश्विनी से समझना चाहूंगा कि पॉल्सन जो इस पूरे मामले में उनके ऊपर जो प्राथमिक तौर पर आरोप थे कि उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराया था, 2 लाख रुपए के जो पैसे की देने की बात थी वो पॉल्सन ने कराया था, और साथ ही साथ जो नैनीताल से हथियार आया था, हम कोर्ट में अश्विनी में जानना चाहूंगा कि पॉल्सन के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि उसने हथियार उपलब्ध कराने से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट और 2 लाख रुपए तक उपलब्ध कराए थे, तो क्या वजह थी कि पॉल्सन के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो प्रोसिक्यूशन कोर्ट में साबित करने में असफल रहा? जी, जहां तक हथियार की बात थी, तो हथियार में बहुत ज्यादा बड़ा रोल पॉल्सन का नहीं था। पॉल्सन का रोल जो था वो आरोप ये थे कि जिग्ना वोरा, जो जिग्ना वोरा पे कहा गया कि ये साजिश में शामिल थी, जिग्ना वोरा ने अपनी खुद जो है रंजिश निकालने के लिए इस तरह से छोटा राजन को उकसाया, और पॉल्सन ने ही जिग्ना वोरा से छोटा राजन से बातचीत करवाई, और जो इंटरनेशनल जो है रोमिंग का जो सिम कार्ड था वो सिम कार्ड पॉल्सन ने उपलब्ध कराए, ये जो तमाम लिंक थे ये साबित नहीं हो सके। और जहां तक पैसे की लेन देन की बात थी, वो आरोपी सतीश कालिया के माध्यम से पुलिस ने जो है साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोर्ट ने नकार दिया। यही वजह है कि पॉल्सन जोसेफ को कोर्ट ने बरी, सुधीर एक बात पूछेगा अश्विनी से, जो भी पेश किए गए इस मामले में जिन धाराओं में किसी को जो है केस दर्ज किया गया था, जो आरोप लगे हैं छोटा राजन और बाकी 9 लोगों पर, उसके तहत छोटा राजन और बाकी जो तमाम लोग इसमें हैं उनको कितनी सजा हो सकती है और क्या सजा हो सकती है?
निश्चित तौर पर आपको बताया, अब सवाल और सबसे ज्यादा निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि दोषी और दोषमुक्त करार दिए जा चुके आरोपी। अश्विनी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह के चार्जेस छोटा राजन और बाकी के आरोपियों पर है, छोटा राजन पर हत्या, हत्या की साजिश और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है, तो प्रोसिक्यूशन क्या कोशिश करेगा और इसके तहत कितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है छोटा राजन या बाकी के आरोपियों पर? जी देखिए, कोर्ट में जो दलील शुरू हुई थी उसके ठीक पहले मैं नीचे आया, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि ये कोई आम हत्या नहीं थी, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो है अटैक है। अब जाहिर सी बात है, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, अपने लेख के जरिए समाज की और तमाम अपनी रिपोर्टिंग के जरिए समाज में जो है सुधारक गतिविधियाँ चलाता है। ऐसे में चौथे स्तंभ पर हमला है और ये बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट हो इस पूरे मामले में, खासतौर पे एमसीओसी का जो कानून है उसमें जो है कैपिटल पनिशमेंट भी होती है, तो जो मैक्सिमम सजा है उसकी मांग की गई है और अभी फिलहाल जो है बहस चल रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले में एमसीओसी के तहत इसके अलावा 302 और जी सुधीर, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर पर डिटेल दे दें। 7 साल बाद जेडे को इंसाफ मिला है, छोटा राजन दोषी करार दिया जा चुका है और साथ ही अन्य आरोपियों के बारे में भी हम डिटेल जान रहे थे कि आखिर क्या क्या उनकी भूमिका रही है, क्योंकि छोटा राजन के आदेश के बाद ही पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या कर दी गई थी। छोटा राजन के शूटर सतीश कालिया ने हत्याकांड को अंजाम दिया था और हत्या के लिए आरोपियों को हथियार कैसे इकट्ठा किए गए और साथ ही छोटा राजन से बात करने के लिए कैसे ग्लोबल रोमिंग सिम कार्ड मंगवाए गए, इस बारे में हमारे संवाददाता अश्विनी डिटेल बता रहे थे। क्योंकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह बात साफ हो गई थी कि मोटिव था जेडे का मर्डर करना और ये छोटा राजन के आदेश के बाद ही किया गया, इसलिए मर्डर के 3 दिन पहले से जेडे की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और 11 जून 2011 को पत्रकार ज्योतिर्मय डे का मर्डर कर दिया गया था। सुधीर, एक बात और जानना चाहेंगे कि आप पूछिएगा अश्विनी से, अश्विनी ये बताइए कि जो इसमें 7 आरोपी थे उनमें से एक ने, जो शूटर था, उसने शायद पूरा पुलिस को डिटेल भी दिया था कि किस तरह से उनको लाया गया, किस तरह से उन्होंने हथियार जुटाया, किस तरह से उन्होंने मर्डर प्लान किया, तमाम चीजें उन्होंने पुलिस को बताई थी, वो भी जो साक्ष्य रखे गए उन्होंने भी काफी कारगर साबित हुआ है जो प्रोसिक्यूशन साइट है इस पूरे केस में। निश्चित तौर पर मैं अश्विनी से ही समझना चाहूंगा। अश्विनी, इस पूरे मामले में एक जो शूटर था जिसने इस मामले पर पुलिस को सारी जानकारी दी थी और उसने ये साक्ष्य अपने तरफ से कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था कि किस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया, हथियार कैसे लाए गए और कहाँ लाए गए, वो प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को साबित करने में कितने मददगार था। जी देखिए, जब ये जांच शुरू हुई थी उस वक्त काफ़ी मुश्किलें हो रही थी तमाम चीज़ें प्रूव करने के लिए। खासतौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, 11 जून को जब हत्या हुई थी उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और तमाम जो है खासतौर पर जो चेहरा है वो सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ था जहाँ पे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ऐसे में जो शूटर्स इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे पुलिस के लिए, उनमें से किसी को कन्विंस करके जो है उनसे तमाम चीज़ें निकालनी थी। ऐसे में कुछ खासतौर पर अरुण डाके जो है उसका स्टेटमेंट लिया गया, उसने तमाम पूरे घटनाक्रम को बताया, कैसे नैनीताल से हथियार लाया गया, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, कैसे 8, 9 और 10 इन 3 तारीखों तक घाटकोपर से हीरानंदानी तक जो है जेडी को फॉलो किया गया, रेकी किया गया। और ये लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एक कड़ियों को जोड़कर एक लीड इन्वेस्टिगेटिंग टीम के पास थी, हालांकि बाद में छोटा राजन के गिरफ्त में आने के बाद सीबीआई को पूरे मामले की जांच भी सौंप दी गई थी। लेकिन सुधीर, क्या कोई रिएक्शन परिवार की तरफ से, क्योंकि यहां पर अगर उनकी बहन लीना की बात करें तो वो इस पूरे मामले पर फांसी की सजा की मांग करती आई हैं। निश्चित तौर पर सुभी, आपको बता दें परिवार की अगर बात करें तो उस घटना से लेकर अब तक परिवार खुलकर नहीं बोलता रहा है, लेकिन जब जब उन लोगों की जुबान खुली है वो इस पूरे मामले को लेकर राजन और राजन के साथ साथ जो भी इस मामले में इन्वॉल्व आरोपी हैं उनको लेकर फांसी की सजा की मांग परिवार करता रहा है। अब ये देखना होगा कि इसमें जो भी आईपीसी सेक्शंस लगे हैं, चाहे एमसीओसी की बात करें, 302 की बात करें या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करें और आर्म्स एक्ट की बात करें, तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट की से लेकर अगर मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करें तो फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन ये देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे जेरे को, जब अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को लेकर बहस करेगा तो क्या फैसला लेगा। हमारे साथ अश्विनी है, कुछ एक बड़ी खबर। अश्विनी, क्या बड़ी खबर? जी देखिए, अभी जो हमें पता चला है वो ये कि जो है जज ने साफ तौर पे कहा है कि आज शाम 4:30 से 5 बजे तक जो है फैसला, जो दोषी इसमें साबित हुए हैं उनके खिलाफ क्वांटम पनिशमेंट क्या होगा आज, यानी सजा का ऐलान भी अब से थोड़ी देर बाद 4 से 4:30 बजे के वक्त हो सकता है।